वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSC MTS 2019 की भर्ती के पेपर सेकंड के बारे में। तो पेपर सेकंड जो आपका 17 नवंबर को होने वाला था, उसकी एग्ज़ाम डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि आपका पेपर SSC MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ का पेपर जो 17 नवंबर को होने वाला था, वो अब 17 नवंबर को ना होकर उसकी डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, वो अब नेक्स्ट डेट को होने वाला है। तो हम इस वीडियो में उस नेक्स्ट डेट के बारे में जानेंगे कि नेक्स्ट डेट को जो एग्ज़ाम है वो आपका कब होने वाला है। तो अभी SSC ने अपने एक नोटिस के जरिए स्टूडेंट्स को सूचित किया है कि वो एग्ज़ाम जो है वो 17 नवंबर को जो होने वाला था, वो अब 17 नवंबर को नहीं होने वाला है। तो चलिए जानते हैं नई डेट के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, SSC द्वारा बोला गया है कि इस भर्ती को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। जो पेपर सेकंड है उसकी डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो MTS टीयर 2 का पेपर जो था वो 17 नवंबर को होने वाला था। 17 नवंबर को होने वाले था टीयर 2 का पेपर, ठीक है। तो वो अब 17 नवंबर को ना होकर 24 नवंबर को होने वाला है। जो आपका एग्ज़ाम है 24 नवंबर को होने वाला है, यानी कि आपको तैयारी के लिए 7 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं। पहले 17 को होने वाला था, अब 24 को होने वाला है, तो तैयारी के लिए आपको 7 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो SSC जो टायर 2 है वो इंग्लिश या किसी अन्य भाषा में जो भी संविधान की 8वीं अनुसूची में है निबंध लिखना होगा और पेपर 50 नंबर का होगा। आप सभी को पता है ये तो कि आपका जो टायर 2 का एग्ज़ाम है वो 50 नंबर्स का होने वाला है और आपको एक ऐसे लिखना होगा 50 नंबर का, ठीक है। उसमें आप जो भारतीय संविधान की अनुसूची 8 है उसमें जो भी भाषाएं रजिस्टर्ड है उनमें किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे मैं पूरे डिटेल आपको बोर नहीं करूँगा। तो देखिए, अब और आपके लिए खबर नहीं है, वही थी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि आपका एग्ज़ाम जो है वो आगे कर दिया गया है। और बाकी आप सभी को पता है कि कितने स्टूडेंट्स बैठने वाले हैं, कितने बैठे थे, कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, इससे आपका कोई भी मतलब नहीं है। आपको अपने सिलेक्शन से मतलब है। आप इतनी सारी भीड़ में, इतने कंपटीशन में आप अपना सिलेक्शन पाते हैं या फिर नहीं, बस इससे मतलब है। और आपको किसी से भी मतलब नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स ने आवेदन किया, कितने स्टूडेंट्स का आवेदन एक्सेप्ट हुआ, कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया, इससे आप परे रहिए। आप अपने एग्जामिनेशन प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए, आगे जो आपका एग्ज़ाम टायर 2 का होने वाला है। तो आप सबको क्लियर है कि जो एग्ज़ाम आपका 17 नवंबर को होने वाला था वो अब 24 नवंबर को होगा। तो एग्ज़ाम के लिए जो आप 17 नवंबर के लिए प्रिपेयर्ड थे उसको छोड़िए, आप 24 नवंबर के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। और अपनी तैयारी को आपके लिए 7 दिन मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, तो उन 7 दिनों के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। तो आप सभी को गुड लक आप सभी के एग्ज़ाम्स के लिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस एग्ज़ाम डेट के बारे में पता लग सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई अदर इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।